हाय गाइस, आप सभी को पता है ना कि एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स का आपका शिफ्ट वन का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और अब बात आती है कि पेपर में क्या क्या चीजें आई। और बहुत सारे बच्चे जनरली परेशान होते हैं ये सब चीजों को देख करके कि लंबे लंबे वीडियोस कौन देखे, 45 मिनट का, 50 मिनट का वीडियो। तो चलिए मैं आपको एक मिनट में सारी की सारी बातें बताता हूँ कि मैथ्स के अंदर, रीजनिंग में और इंग्लिश में किस पैटर्न के क्वेश्चन और कहाँ से आए हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम रीजनिंग के सेक्शन की बात करते हैं। तो रीजनिंग आप देखिए, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, 7 लोग यहाँ पे थे, 5 क्वेश्चन। अनसर्टेन लीनियर के टोटल 21 लोग थे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे थे। डबल लाइन के पर आपका 5 क्वेश्चन था। फ्लोर पजल के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड मिक्स सीरीज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इसे ऐसे देख सकते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आरसी के 10 क्वेश्चन थे, जिसमें कोविड-19 और रेस्ट को लेकर की था, जिसमें वॉकअप भी आपका इसी में आ गया। एडिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, व्हाट्सएप के 5 क्वेश्चन, फिलर्स के 4 क्वेश्चन एंड पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन थे। और अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो मैथ सेक्शन में देखो, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, डीआई के 5 क्वेश्चन एंड रिमेनिंग अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन थे। ये हमारा आज का कंप्लीट पेपर, जिसमें हम देख सकते हैं कि पेपर का लेवल बिल्कुल सही था। आराम से बच्चों ने, जो जितने भी बच्चे हैं हमारे पेड यूजर्स हैं या फिर जो दूसरे हमारे यूट्यूब पेज यूजर्स हैं, उन्होंने 75, 80, 85 तक अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आप भी शिफ्ट सेकंड में या थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं या अपकमिंग डेज के अंदर आपका पेपर है, तो ये पेपर का लेवल सेट हो गया है। अब आपको इसी लेवल पे तैयारी करनी है और बेस्ट ऑफ लक। टीम बैंकपुर आपके साथ है एंड बहुत जल्दी हम आपके साथ जुड़ेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर में। थैंक यू वेरी मच।